राम राम जी मेरे प्यारे देशवासियों सारा ने। मैं थरी बाण अंजू मलिक फिर तो अपनी देश हरियाणवी देसी रसोई में आप सबका स्वागत करूँ सू। बड़ा ने प्यार भरा प्रणाम, छोटा ने प्यार भरा राम राम। आज हम बनाओगे जी मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी सब खां है जी, पूरे भारत में सब जाना है, सब तरह का खाना हो है यो, और जल्दी हजम हो जाए, हर पौष्टिक भी हो है। तो आज हम मूंग दाल की खिचड़ी एक नए तरीके से बनाओगे जी। जी मारे भी बालक से और आपके भी बालक सब्जी खाती आना सारे नाक मारा से, सब मना कर दे हैं यह सब्जी नहीं खानी, मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, हमने यह बढ़िया नहीं लगती। तो सब तो बढ़िया तरीका से जी बालक ने सारी सब्जी खवाने का, आप पौष्टिक खिचड़ी बना दो। आज हम बना रहे हैं ये हमारी पौष्टिक खिचड़ी। तो ये मेरे प्यारे भाण भाइयों, ये सामग्री देख लो मरी। ये एक प्याज बारीक काट लिया मैंने जी, दो टमाटर छोटे छोटे थे, बड़ा होता एक ले लियो भाई है। अरे ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा कस लिया, चार से लहसुन कली काट ली मैंने बारीक, और एक छोटी मिर्च। मिर्च आपकी मर्जी से भाण मेरे प्यारे भाण भाइयों, आप खाओ तलियो ना तो कोई जरूरत ना से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं से। एक कटोरी मटर, एक कटोरी गाजर, ये दो, एक बड़ी गाजर है छोटी छोटी होंगी दो। अरे यो जी एक कटोरी पालक, और जो आपको बच्चों को जो सब्जी पसंद है आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हो, ब्रोकली भी डाल सकते हो, जो कि हमारे हरियाणा में हरी गोभी चाइनीज गोभी बोलते हैं, हैं जो पसंद हो वो डालकर बना दो। और जी भी यो छोकता ही जीरा 1 चम्मच, और जी ये अजवाइन है 1/4 चम्मच। अजवाइन जी हजमे का काम बहुत बढ़िया कर रहा है और बहुत बढ़िया रह से यार। एक बड़ी इलायची मर्जी है हो तो डाल दियो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दो लाल मिर्च, चार काली मिर्च, दो छोटी इलायची, हरी इलायची बोला हम जिसने, अरे जो दो तेज पत्ता, और जी छोकलान तई देसी घी। आपका जी करे आप बटर में बना सको हो, मैं प्योर देसी घी में बना रही हूँ अपना हमारा देसी खाना। ये जो खिचड़ी है खूब बढ़िया बनेगी देसी घी में, यो 1 बड़ा चम्मच देसी घी से। ठीक से मेरे प्यारे भाण भाइयों, इब हम शुरू करते हैं। और यह मेरी एक कटोरी दाल और जी बड़ी वाली और एक कटोरी चावल, दोनों बराबर ले ली से। मैं 6 आदमियों का बना रही हूँ, आपके जितने मेंबर हो उस हिसाब से सामग्री ले लियो मेरे प्यारे भाण भाइयों। और यह मैंने 20 मिनट भिगो दी है पानी में, दो कप बढ़िया डाला। और जी दाल ना साफ जरूर कर लियो ना तो कंकड़ आ गया ना तो फिर करकराहट हो जाएगा, सब सारे स्वाद का हो जाएगी पौष्टिक खिचड़ी फिर तय। और ये पानी जितना आप दाल और चावल ले रहे हो ना उसका जी 3 गुना पानी, जब मान लो 1 गिलास दाल और चावल है तो 3 गिलास पानी डालिए उसमें, उस हिसाब से पानी डालना जी इसमें। और लो मेरे प्यारे भाण भाइयों, यो मेरा घी हो गया सा गर्म, और मैं ये डाल दूंगी मेरे सारे खड़े मसाले। जी आपकी मर्जी से खड़े मसाले हो तो डाल दियो ना, तो जीरा और हींग और जी अजवाइन का तड़का ला दियो। ये देखो आप मैंने अपने मसाले डाल दिए, प्याज अदरक वो भी डाल दिया, और ये डाल दी मैंने 2 चुटकी हींग। इनमें 1 सेकंड तक भूनेंगे, देखो लहसुन का रंग बदल गया से। तीब हम डाल देंगे इसमें ये हमारे प्याज, और प्याज जाना है गुलाबी होने तक इब हम भून लेंगे धीमी आंच पे, धीमी के जी मीडियम कर लियो। और मेरे प्यारे भाण भाइयो ये मेरे प्याज तैयार होने वाले हैं, देखो रंग बदल दिया प्याज ने, कभी लाइट हल्का गुलाबी रंग आ गया है, ये देखो खूब सुथरे लगन लग रहे हैं। और जी इस पे 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग गया इसमें प्याजा ने भुनन में। अरे हम डाल देंगे अपने जी टमाटर। भाई मेरे प्यारे भाण भाइयो ये मैंने टमाटर डाल दिए इसमें, अरे 1/4 हल्दी डाल दी जी। आप कद्दे भी खिचड़ी बनाओ था ना तो हल्दी का हमेशा ध्यान रखियो, खिचड़ी में कद्दे हल्दी ज्यादा नहीं डलना। अगर आप 1/4 चम्मच हल्दी डालोगे ना उसमें भी खूब बढ़िया रंग आ जाता है, और आपकी इच्छा से आप जिसा खाओ उसे डाल लो जी। और ये जी 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, और आपका जी करे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सको हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तेल छोड़ने तक अपने टमाटर पकाने हैं जी, अपना वो बढ़िया डाल हर बार मैं आपको बताऊं सू, अपना मसाला धीमी आंच पर पकाओ, और जब तक आपका कुकर कढ़ाई उस मसाले ने छोड़ नहीं देना वो जब तक झुम्म नहीं, जब तक आपका मसाला कति तैयार नहीं से। ये मेरे टमाटर ने देखो चुगर देना कति घी छोड़ दिया है, अब जा मौज मार घी को, ये देखो झूम रहा है कति बिल्कुल अलग, ये देख सकते हो आप खूब बढ़िया लगन लग रहा है देखने में। आह
ये भी इसमें हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया मेरा पनीर और ये मेरी मटर और जी ये लो गाजर। लो मेरे बालको बालको एकदम खाओ, क्यों सब्जी ना खाओगे? उंगली चाटेंगे बालक की, देखियो आप बनाओ और अपने बालका ना खवाइयो, फिर देखियो क्या क्या नाम धरेंगे। ये सारी सब्जी डाल दी सामने, इसमें सारे प्रोटीन मिनरल्स जो भी है सब डाल दिया है। आहा ये सुथरा रंगा रहा है पति जी से साकिंग, ये देखो पति कसुत्ता लगन लग रहा है जी। ये बाम इसमें डाल लेंगे अपना स्वाद अनुसार नमक, जी आप नमक खाया करो। अरे मेरे प्यारे बहन भाइयों, यो मैंने मेरा नमक और मेरी जो दाल और चावल मैंने भिगो रखे थे बढ़िया डाल दो का तीन चार बार मैंने डाल दिए से। अरे जी मैं इसमें डालूंगी पानी, जी ध्यान रखियो। अब जितनी दाल और वो चावल ले रहे हो, मान लो 1 गिलास ले रहे हो तो 3 गिलास पानी डालियो, तो 3 गुना पानी डालना है। और भाई किसी ने खड़ी खड़ी या सूखी सूखी पसंद हो तो वो 2 गुना डालियो, बस अपना अपना जी स्वाद हो जाए। और जी मेरे ये आदरणीय जो बुजुर्ग को हैं बड़े बुढ़े उनका भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक है यो, आज मैं इतना ही भी और खान में भी कति कसुत्ता स्वाद आ जाएगा उनने। और खूब बढ़िया ये देखो के सुथरा रंगा रहा है, दिखने में भी कति कसुत्ती लगन लग रही है। और जी मैंने सारा काम कर दिया से, पानी भी डाल दिया है, ये मिला भी दिया से, और अपना नमक चख लियो जी पहला, कम ज्यादा हो जाया करें कोई, अपने स्वाद अनुसार डाल के। और जी भी हम इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कना बंद करके, और जी 2 सीटी मरवा लियो। और जी किसी ने कती एकदम लाई सी एकदम घुटी हुई चाहिए तो 3 सीटी मरवा लियो मीडियम आंच पे जी। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी लगी 2 सीटी और मेरी खिचड़ी कती बनकर तैयार है। देखो कती कती स्वाद आ गया, देख कर मुंह में पानी आ गया है और खुशबू की तो बुझ मन बड़ी कसुत्ती आ रही है, भूख लग गई कड़ी। और जी हम ही इसने परोसेंगे, और जी हमारे हरियाणा में कया करे गाल दे, जिसना परोसना को हो गाल दे ना खाना। और मेरे प्यारे बहन भाइयो, यह मेरी पौष्टिक खिचड़ी कति बढ़िया डाल परोस दी मैंने और खूब बढ़िया लगन लग रही है, मुंह में पानी आ गया है। आप भी देखो आप इसका लुत्फ उठा सकते दही के साथ, आम का अचार और ये लच्छेदार गंठे या आपकी भाषा में कह लो लच्छेदार प्याज, मसालेदार कति बढ़िया, खूब मजे उठाओ, पौष्टिक खिचड़ी खाओ और स्वस्थ रहो मेरे सारे देशवासियों। और जी खान तक पहला एक काम जरूर करना है आपने, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना से और लाइक करना है, और जी घंटी जरूर बजाइयो, आगे तो मैं अपने देसी अंदाज में कुछ नया बनाऊं और आप तो सब तक पहला पहुंचेगो। और जी खाओ और लुप्त उठाओ, जय राम जी की सारे बहन भाइयों ने। और जी खा के और नो जरूर बताइयो किसी लागी, कमेंट जरूर करियो, दिल खुश हो जाए आपके कमेंट आते हैं। और जी कुछ नया नया अपने देसी अंदाज में आप तक पहुंचाने जी करे से, फिर जय राम जी की, प्यार भरा राम राम जी सारे ने।